मालवा निमाड़ में हुई तेज बारिश के बाद सोयाबीन की फसलों को हुए नुकसान के मुद्दे पर कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में मुख्यमंत्री के इंदौर दौरे के दौरान 10 कांग्रेसियों के मिलने की अनुमति मांगी। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी की माने तो शिवराज सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी ओर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कमलनाथ सरकार को ब्लैकमेल कर रहे थे, अब शिवराज सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ग्वालियर में हुई मेगा रैली के मामले में तंज कसते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि आने वाले चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की जनता बता देगी कि वह किसके साथ है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागपुर दौरे को लेकर भी तंज कसा। अच्छा, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने दो बातें जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो बहुत दृढ़ता से कही थी। एक उन्होंने कहा कि बिजली के बिल मत भरो, सड़क पे लड़ेंगे और काटेंगे तो शिवराज सिंह जी खुद जोड़ने आएंगे। शिवराज सिंह जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो जो 200 रुपये का बिल आता था वो 2000 रुपये का बिल हो गया। किसानों का ट्यूबवेल और फसलों का जो कृषि का कनेक्शन था वो सीधा डबल हो गया। किसानों की ऋण माफ़ी बंद कर दी, इसलिए किसान और ज़्यादा ग्रसित हो गए और इसी बीच सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। जब सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई तो शिवराज सिंह जी ने कहा था कि 40,000 रुपया पर हेक्टेयर, 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब वो मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं करना उनको, उनको सिर्फ सिग्नेचर करना, निर्णय लेना है कि 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, न इसमें फली है, न जमीन से सूख रही है, पानी नहीं गिरा, फिर पानी ज़्यादा गिर गया, फिर बीमारियां आ गई। और सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह जी जब से बने हैं, जब से माफिया राज जो प्रेस्टिसाइज में वो सर चढ़ के उसका तांडव मच गया है। आज जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने कलेक्टर साहब से तमाम ज़िले के किसानों के साथ एकत्रित होकर आज ज्ञापन दिया है। जिस तरीके से किसानों की फसल पर जो आपदा आई है, किसान वैसे भी पहले से ही परेशान था, गेहूं के पैसे नहीं मिले थे और उसके साथ साथ एक बड़ी आपदा सोयाबीन, बड़ी बड़ी दिखने में बड़ी बड़ी उसमें कर उसमें एक भी फली नहीं है। हमने मांग की है, शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे उनका कहना था कि भाई 40,000 पर हेक्टर से मुआवजा देना चाहिए। यही मांग को हमने कलेक्टर साहब से दोहराया कि हम भी मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी से, अब चूँकि वो खुद ही मुख्यमंत्री है, 40,000 रुपये पर हेक्टर से किसानों का मुआवजा राशि दी जाए। इसी के साथ साथ कोरोना महामारी को लेकर जिस तरीके से बिजली विभाग वाले, जिसका 100 रुपये बिजली का बिल आता था उसका 1,000 से भी ऊपर 10-10, 20-20 हज़ार जिनके वो खाने को लाले पड़े हैं, हमने मांग की है कि कोरोना महामारी को लेकर 2-3 महीने तक कम से कम 2 या 3 महीने का आम गरीबों का तो कम से कम बिजली का बिल माफ़ करो। आज हमने कलेक्टर साहब को कहा है कि मुख्यमंत्री जी से हमें समय दिलाएं और यदि ये 8 दिन के अंदर जो 40,000 रुपये हेक्टर की हमने जो मांग की वो नहीं मिला तो हम लोग किसानों के साथ हजारों की संख्या में प्रदर्शन करेंगे।